अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीलॉग बाय अनाया उमर। आज का वीलॉग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन माओं के लिए जिनकी जो बच्चियां हैं वो टीन एज में कदम रखने वाली हैं या टीन एज की हो गई हैं। टीन एज क्या होती है, जिसमें आपका जो 13, 14, 15, 16 जिसमें भी एंड में नंबर में टीन आता है, दैट इज़ द टीन एज ऑफ योर चाइल्ड। आपका बेटा हो या बेटी हो, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जो आप कहते हैं ना इमोशनल रोलर कोस्टर की एक एज होती है, जिसमें आपको बहुत ही ज़रूरत होती है अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की। और उनकी जो नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं इस टीन एज में वो क्या हैं इनको अंडरस्टैंड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी इमोशनल वेलबींग की। टीन जो एज होती है ना बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, स्पेशली फॉर व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। इस एज में चाहिए कि मदर्स को चाहिए कि वो अपनी जो बेटियों के हैं बिल्कुल क्लोज हो जाएं, बहुत ही फ्रेंडली हो जाएं उनसे, जस्ट लाइक कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं एंड आपसे ज़्यादा अच्छा और आपसे ज़्यादा बेस्ट और या आपसे ज़्यादा सिंसियर उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता। ये जो टीन एज होती है ये इमोशंस को लेके एक आई थिंक रोलर कोस्टर की राइड होती है। इस एज में बहुत ही क्रूशियल होता है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही ओपन कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन गैप ना आए आप में और आपकी बेटी के दरमियान, अगर इवन बेटा है तब भी आप अपनी बेटी को इनक्रेज करें कि वो जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो भी वो फील करती है या जो भी वो स्कूल में कर रही है, वट एवर हर फीलिंग, मतलब जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड वो आपसे ज़रूर शेयर करें एंड बी अ गुड लिसनर। ऑलवेज रिमेंबर दैट वैलिडेशन गोज अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग ट्रस्ट। इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप बीइंग अ मदर आप ये अंडरस्टैंड करती हैं कि आपकी बच्ची किस इमोशनल जो है रोलर कोस्टर से गुजर रही है और जो उसके चैलेंजेस वो फेस कर रही है इस टीन एज में, वो तमाम के तमाम आप अंडरस्टैंड करती हैं बीइंग अ मदर, और उससे बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह आप हर चीज़ डिस्कस कर सकती हैं। आपकी बेटी भी आपसे इतनी क्लोज है कि वो हर चीज़ आपसे अपनी फ्रेंड की तरह ओपनली डिस्कस कर ले। इसके अलावा बीइंग अ मदर अपनी बच्ची को जो है ग्रेटिट्यूड शो करें, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया और आपने किसी और का गुस्सा उस पर उतार दिया या आपने उसको गलत डांट दिया तो उससे आप फ़ौरन सॉरी कर लें। मैं अक्सर अपने बच्चों दोनों से अनाया अरजान से, जब मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ और बच्चे सही थे तो मैं फ़ौरन से जाके उनसे सॉरी कर लेती हूँ। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचिंग हर स्मॉल होम टास्क। आप अपनी बच्चियों को अपने जो जैसे ही वो 10-11 ईयर्स की एज में आती हैं आप उनको घर के छोटे छोटे काम करने की, उनको जो है छोटे मैनेजेबल टास्क देना शुरू करें, जो है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें। लाइक बच्चों से कहें जैसे ही उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं अपने, जो कपड़े चेंज करने के बाद लॉन्ड्री बास्केट में जो वॉश होने वाले कपड़े हैं उनको लॉन्ड्री बास्केट में डालें। अगर नहा के आए हैं तो अपना टॉवल जो है बाहर जाके ड्राई होने के लिए डालें। इसके अलावा छोटे छोटे टास्क आप उनको दे सकते हैं, लाइक आपने जो है खाने का टेबल अरेंज करना है तो उनको साथ बेटी को इन्वॉल्व करें कि आप ये प्लेट्स जो है जाके टेबल पर सेट करो। उसके अलावा अपना बेड डेली आपने खुद बनाना है। इसके अलावा जो है आपकी जो पर्सनल स्पेस है, लाइक आपका बेडरूम है, आपकी वार्डरोब है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने की आदत आप बच्चियों को शुरू से ही डालें, ताकि ये जो आदत आप उनको शुरू से डालेंगे उनकी जब वो हैबिट बन जाएगी तो ताहयात उनके साथ रहेगी और उनके लिए हेल्पफुल रहेगी वो। इनिशियली उनको छोटे छोटे टास्क देना शुरू करें, जैसे ही उनकी जो एबिलिटी है उन टास्क को करने के काबिल हो जाएं वो ग्रेजुअली जो है ग्रेजुअली जो है फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी जो है इन टास्क की जो है वो आप इंक्रीज़ करते चले जाएँ। और साथ में उनको ये बताएं अपनी बेटी को कि आप जो है ये टास्क जो कर रही हैं कितना इम्पॉर्टेंट है घर को चलाने के लिए। इनिशियली जब आप अपनी बेटी को कुछ सिखा रही हैं तो आप उसके साथ वो काम करें, जब वो सीख जाए तो फिर उसको जो है कुछ दिन के बाद छोड़ें कि आपने ये अब जो है अपना ओन पे ये काम करना है, सोलो ये काम करना है। लाइक आप देख रहे हैं अभी वीडियो में अनाया को, इनिशियली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था फूड मैया वह अनाया के नाम से, तो अनाया को मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में इन्वॉल्व किया था और अनाया ही वो रेसिपीज़ बनाती थी और उन्हें वो प्रेजेंट करती थी। और अब अनाया की ये हैबिट हो गई कि छोटी छोटी चीज़ें वो अपने जो पसंद के खाने हैं वो बहुत इजीली जो है आराम से, लाइक सैंडविच बना लेती है, सम टाइम नुटेला ब्रेड पे लगा के उसके साइड्स कट कर लेती है, या पॉपकॉर्न बना लेती है, जो मतलब जिसमें कोई हार्म नहीं है या जिसमें अनाया को कोई डेंजर चीज़ नहीं है, अनटिल अनलेस वो काम वो अनाया खुद कर लेती है। इवन मुझे आके बता रही होती है मामा आप ये सैंडविच ऐसे बना लें, इसमें ये वेरिएशन कर लें, और फिर मैं उसके साथ मिलकर वो काम करती हूँ या खाना बनाती हूँ या वट एवर शी लाइक।
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने बच्चों को काम करना सिखा रहे हैं तो उनको जो है एक मिस्टेक्स करने के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करें, अंडरस्टैंड करें कि अब जब भी बच्चे कोई काम करेंगे तो वो मिस्टेक्स ज़रूर करेंगे, उनको जो है इनक्रेज करें फिर पॉजिटिव एटीट्यूड्स की तरफ, बिकॉज एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। All I want is some tender love from you, baby. बच्चियों को शुरू से ही अपनी बेसिक स्किन केयर, अपने बालों का, अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ख्याल करना सिखाएं। उन्हें जो है बेसिक स्किन केयर की कुछ चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक होती हैं वो ज़रूर प्रोवाइड करें, लाइक एक फेस वॉश, अच्छा फेस वॉश जो कि आपकी इस बच्ची की स्किन टाइप को सूट करता हो वो ज़रूर लेके दें। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग की आदत आप बच्चों को शुरू इनिशियल 10-11 की एज से सिखाना शुरू कर दें। जब वो टीन एज में जाएँ तो उस हिसाब से आप उनकी स्किन टाइप के हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स जो हैं चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे फेस वॉश करें, बेटी फेस वॉश करके वॉशरूम से उसको कहें आपने अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना है। और बच्चियों को जो है सनस्क्रीन की आदत भी ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चियां जो स्कूल में स्पोर्ट्स करती हैं सन की यूवी रेस उनकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकती है, टैनिंग कर सकती है। सो शुरू से ही बच्चों को क्योंकि बच्चों के लिए स्पेसिफिक सन ब्लॉक्स आते हैं मार्केट में, तो आप उनकी स्किन टाइप के हिसाब से जाके वो ले सकते हैं। और बॉडी को भी स्किन के साथ साथ, फेस के साथ साथ अपनी बोन को कहें कि अपने हैंड्स और फीट्स और बॉडी को भी मॉइस्चराइज करने की आदत डालें। जब आप आपकी बच्चियाँ बाल ब्रश कर लें तो उनको कहें जितने भी बाल उनके ब्रश में जो है टेंगल हो जाते हैं आ जाते हैं उनको उसी वक्त जो है क्लीन करें और बाल निकाल के डस्टबिन में डालें। इसके अलावा अपनी बच्चियों को ड्यूड्रेंट ज़रूर लेके दें, क्योंकि ड्यूड्रेंट जो आपकी बॉडी की बैड ऑडर होती है उसको ख़त्म करते हैं। तो बच्चियों को स्टिक फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आपको ड्यूड्रेंट पसंद है, एक ड्यूड्रेंट एक से दो ज़रूर लेके दें या बॉडी मिस्ट लेके दें ताकि वो बच्चियाँ यूज़ कर सकें स्कूल जाते हुए भी। और शावर लेते ही उनको कहें कि आपने जो है आर्मपिट में, अपनी अंडर आर्म्स में ड्यूड्रेंट ज़रूर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोई बहुत एक्सपेंसिव किस्म के परफ्यूम, ड्यूड्रेंट्स या इस किस्म की स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बच्चों को लेके दें, लेकिन बेसिक स्किन केयर ज़रूर लेके दें ताकि बच्चों को शुरू से हैबिट डेवलप हो और उनकी स्किन जो है इश्यूज़ जो आते हैं विद एज वो उनकी स्किन पर ना आए। इसके अलावा अपनी बच्चियों को मिनिमल सी जो है ज्वेलरी ज़रूर लेके दें। अगर आपको पसंद है तो उनको थोड़े से नेल पेंट्स के शेड्स ले दें और उनकी एक प्रॉपर पर्सनल स्पेस जो है वो बनाएं जिसमें वो अपनी थोड़ी सी पर्सनल बिलोंगिंग्स रख सकें। मैं तमाम माओं को जो इस वक्त मुझे यहाँ पे देख रही है, मैं ये कहूँगी कि जैसे ही आपकी बच्चियाँ टीन एज में आती हैं आपने उन बच्चियों का रूम जो है वो सेपरेट कर देना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको कोई लैविश किस्म का रूम सेट करके दें, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपकी बच्चियाँ जो है अपना रूम लॉक करके सारा दिन अकेले रूम में ही बैठी रहें। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि उनकी एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए जिधर वो बच्चियाँ अपनी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें अपने रूम में रख सकें। मेरा कहने का मकसद ये है कि 13-14 इयर्स की एज में बच्चियों की जो प्रॉबर्टी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता है, तो आप उन्हें एक ऐसी पर्सनल स्पेस ज़रूर दें जहाँ पे वो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को रख सकें। इस एज में बच्चियाँ बाप से, भाई से घबराती हैं, तो उनको सारी चीज़ें वेल मैनेज करने के लिए एक पर्सनल स्पेस ज़रूर प्रोवाइड करें। अगर आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है कि आप सेपरेटली बच्ची को अलग से रूम दे सकती हैं, तो एटलीस्ट माएँ उनकी वार्डरोब के एरिया या वार्डरोब के जो चीज़ें हैं वो सेपरेट कर सकती हैं बाकी घर से, और उसके फादर और उसके भाई को भी पता हो कि ये इसकी वार्डरोब है, इसको हमने टच नहीं करना या इसको एक्सेस नहीं करना, वो उसमें सिर्फ आपकी और आपकी बेटी की एक्सेस हो। और इस चीज़ को एक माँ ही वेल मैनेज कर सकती है, माँ ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और माँ को ये चीज़ जो है एक टाइमली कर लेनी चाहिए बच्चियों को कंफर्ट जोन देने के लिए, बच्चों का कंफर्ट लेवल का ख्याल करते हुए। इसके अलावा अपनी बच्चियों को कैमिसोल ज़रूर प्रोवाइड करें। जैसे ही आपकी बच्ची 4-5 क्लास में आती है उसको डिफरेंट तीन जो बेसिक कलर हैं ब्लैक, वाइट एंड स्किन, ये तीन कलर्स के कैमिसोल ज़रूर ले दें और उनको कहें कि जो वाइट, क्योंकि नॉर्मली जो यूनिफॉर्म होता है वो वाइट कलर में होता है, वाइट यूनिफॉर्म के नीचे वाइट कैमिसोल उन्हें ज़रूर प्रोवाइड करें। सर्दियों में कैमिसोल और गर्मियों में जो है उनको मलमल की नॉर्मल शमीज़ आप लेके दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, बॉडी बिल्कुल नहीं नज़र आनी चाहिए। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट जैसे ही आपकी बच्चियाँ टीन एज में एंटर हों तो आप उनको जो है क्रॉस बॉडी बैग या बैकपैक ज़रूर लेके दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें जो है कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म के और ब्रांडेड किस्म के हैंडबैग्स या क्रॉस बॉडी बैग्स या बैकपैक्स लेके दें। अगर आप बहुत सारे नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट एक बच्ची को ज़रूर लेके दे दें।
आप जिस प्राइस रेंज में अफोर्ड कर सकते हैं बच्ची को ये बैग ज़रूर लेके दें, क्योंकि ये बच्चियों की बेसिक जो है नीड्स में एंड रिक्वायरमेंट्स में आता है। बच्चियों ने अक्सर स्कूल के ट्रिप्स पे जाना होता है, कोई पार्टी अटेंड करनी होती है, फ्रेंड की बर्थडे पे जाना है, तो बैक पैक में वो अपनी वाटर बॉटल और लंच बॉक्स लेके जा सकती है। इसी तरह जो क्रॉस बॉडी बैग में है वो किसी पार्टी पर जाते हुए अपना हैंड ब्रश रख सकती है या लिप बाम रख सकती है। तो इस तरह से अपने नैपकिन्स वगैरह वो इस बैग में ईजीली कैरी कर सकती है। मैंने माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट प्रोवाइड देम विद सम स्कार्फ एंड स्टॉलर्स। जैसे ही आपकी बच्चियाँ जो हैं थोड़ी सी 10-11 ईयर्स की हों, तो आप उन्हें ये छोटे छोटे जो कॉटन के या फिर नेट के इस तरह के सॉफ्ट फैब्रिक के स्कार्फ्स होते हैं, स्टॉलर्स होते हैं, वो देना शुरू कर दें। बड़े बड़े दुपट्टे बच्चियाँ कैरी नहीं कर पाएंगी। इनिशियली उनको आप ये छोटे छोटे स्टॉलर्स और स्कार्फ जो है प्रोवाइड करें, जिसमें वो अपना कुरान पढ़ सकें। और स्कूल के लिए भी आप स्कूल यूनिफॉर्म से मैच करता हुआ वाइट स्टॉलर या वाइट स्कार्फ उनको ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि आपकी बच्चियां जब घर से बाहर जाएं या उन्होंने कुरान पाक पढ़ना है या इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो ये स्टॉलर जो है या स्कार्फ अपने गले में डाल लें। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉलर्स और स्कार्फ्स और जो है चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, कॉटन फैब्रिक में, लॉन फैब्रिक मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि बच्चों में जो है डेवलप करें जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करें और उनको इनक्रेज करें इंडिपेंडेंस की तरफ। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, स्पेशली बच्चियों को, कि वो अपने जो जितने भी डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंटली लें। ये डिसीजन किसी भी किस्म का हो सकता है, दिस कुड बी देयर क्लॉथ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इवन प्लानिंग देयर स्केड्यूल। ओपन जो है डिस्कशन उसको इनक्रेज करें वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। आप अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है और उसकी आउटकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने बच्चों से ज़रूर बैठ के शेयर करें। वाइल मेकिंग डिसीजन आपकी जो अप्रोच है, एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए उनके एज के हिसाब से। एंड टीच योर किड्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कंसीडर प्रॉब्लम सॉल्यूशन और इवेल्युएट करें उसके प्रोस एंड कॉन्स। अगेन मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अगर वो मिस्टेक्स करते भी हैं किसी डिसीजन को बना करते हुए, तो आप उनकी जो है इस चीज़ को इनक्रेज करें। बच्चों का जो है मोराल वो डाउन हो जाएगा अगर आप उनको डिस्करेज करेंगे, तो इनक्रेजमेंट इज़ द की। अगर आप उनको इनक्रेज करेंगे पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, तो वो पॉजिटिव चीज़ें लर्न करते जाएंगे। इसी नोट के साथ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।